થોડો વિરામ લેવો જોઈએ. લોકડાઉન થવાથી આપણે બહુ મોટો વિરામ મળી ગયો છે, આપણે અંદર બહુ જોશ છે, એ જોશની સાથે આપણે હવે આગળ વધવાનું છે અને આ વિપરીત પરિસ્થિતિને પાર પાડવાની છે. અને આગળ ખાસ મારે બ્રોકર મિત્રોને એવું કહેવાનું થાય છે કે તમારો આ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં એટલો બધો મોટો ફાળો છે કે કોમ્પિટિશન દરેક ધંધામાં હોય છે. તમે એક મધ્યસ્થી છો અને તમારી ભૂમિકા અમારી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે બહુ મહત્વની છે. બે અજાણા વ્યક્તિઓને ભેગા મળીને એક બિઝનેસ કરાવો અને પાર પાડવો એ કોઈ સહેલું કામ નથી જે તમે કરી રહ્યા છો. પરિસ્થિતિ કદાચ અઘરી છે, હિંમત હારતા નહીં, સુધરી જશે. થોડું શાંતિ રાખશો, આપણે બધા બહુ વ્યવસ્થિત રીતે પાર પડી જશું અને કોરોનાની મહામારીમાંથી વ્યવસ્થિત રીતે આપણે બહાર નીકળી જશું. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સંજયભાઈ. યસ, થેન્ક યુ સંજયભાઈ. ઓર હમારે આજ કે ચોથે ઓર યંગેસ્ટ સ્પીકર હૈ જો મિસ્ટર પ્રશાંત ભાટુ. ઇનકી પહેચાન હી ઉનકી ઉમ્ર કી તરહ હૈ જો દિન બર દિન બઢતી જાતી હૈ. He is a second generation real estate developer from Vapi and son of Shri Natubhai Vatu. And today this group has earned the goodwill of South Gujarat's one of the leading company having presence in Surat, Vapi and Silvassa. The group is active in residentials, commercials, industrials as well as vast social media activities, and he belongs to a joint family organization with smoothest flow of work method applied in day to day. Son सूरत में सन 1993 से जुड़े हुए ये ग्रुप है, पर उनका ज्यादातर डेवलपमेंट वापी और सिलवासा में हुआ था और इन लोगों ने सूरत में 6 या 7 साल पहले आके जो जिस स्ट्रेटजी से अपना बिजनेस बढ़ाया वो काफी प्रेरणादायक है. जैसे सूरत में आके उन्होंने अलग अलग पॉकेट्स में जगह ली और अलग अलग एरिया को उनके एक नए अंदाज में डेवलप कर दिया है. और आज उनका एक बोले तो एक प्रमुख यानी सूरत में भी लीडर के चिन्ह का नाम कमा दिया है. अभी तक 12,000 होम्स की डिलीवरी की हुई है और 12 मिलियन यानी 1,20,00,000 स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट उन्होंने डिलीवर कर दिया है. वह अपने ब्रोकर्स और कस्टमर्स को अपने सोशल साइट्स पे और ब्लॉगिंग से कनेक्टेड रहते हैं. फिर चाहे लॉकडाउन के समय पे घर घर में फिटनेस ट्रेनिंग देना हो या फिर योगा टिप्स देना हो या फिर लॉकडाउन खुलने से पहले और एक प्रोजेक्ट प्लानिंग रेडी कर देना हो. एंड दीज आर द ग्रुप्स हु इंटरैक्ट विद देयर रेजिडेंट्स बाय स्टेइंग होम, डू योगास एंड प्लेइंग होम एक्टिविटी क्विजेस एंड गिविंग देम अमेज़न प्राइम मेंबरशिप्स फ्रॉम हिम फॉर फ्री. सो लेट्स हियर फ्रॉम यंग एंड डायनामिक मिस्टर प्रशांत भाटू. प्रशांत, थैंक यू केयूर भाई. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्रेडाई सूरत और सूरत के रियल एस्टेट एसोसिएशन कि जो भी मेंबर्स है इन सभी का शुक्रिया करना चाहूंगा. यहाँ पे वेबिनार पे मौजूद सभी व्यूअर्स का मैं शुक्रिया करना चाहूंगा कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सभी को मेरा नमस्कार. इन बड़े बड़े अनुभवी स्पीकर्स के साथ मेरा नाम जोड़ कर और मुझे अपनी बात आप सबके सामने कहने का मौका दिया इसके लिए मैं दिल से सबका थैंक यू कहना चाहता हूँ. मैं ये आशा करता हूँ कि इस लॉकडाउन पीरियड में आप सभी अपने परिवार के साथ अच्छी सेहत में होंगे और अपने स्वास्थ्य का अच्छा ध्यान रख रहे होंगे. उम्मीद है कि ये दौर जल्द से जल्द गुजर जाएगा और हम इससे जल्द से जल्द बाहर आएंगे. आज का जो हमारा विषय है वे फॉरवर्ड रियल एस्टेट इन सूरत, यानी कि आने वाले समय में सूरत की रियल एस्टेट की परिस्थिति के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं. अभी इस वक्त में हम सभी लोग तरह तरह की न्यूज, तरह तरह के रिपोर्ट हम पढ़ रहे हैं. काफी सारे लोग जो है वो रियल एस्टेट के बारे में अपनी अपनी ओपिनियंस रख रहे हैं. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारे ओपिनियंस जो है ये सूरत के लिए सही साबित हो मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि ये सारा जो सर्वे है वो अलग अलग
शहरों के मार्केट को सर्वे करके ये रिपोर्ट्स बनाई है, और हर एक सिटी का अपना अलग ही परिबल होता है। और मैं ये मानता हूं कि हमारे सूरत का जो सबसे महत्व परिबल जो है वो हमारे रियल एस्टेट के ब्रोकर्स, हमारे चैनल पार्टनर्स है। और अगर आप ये तय कर लेंगे तो रियल एस्टेट को और एक नई ऊंचाई पे आप पहुंचा सकते हैं। अभी हम सभी मित्रों को तय करना है कि हमें कौन से रिपोर्ट पे विश्वास करना है और हमें कौन सी परिस्थिति का निर्माण करना है। ये आप सब पे डिपेंड करता है कि हमें हमारा जो रियल एस्टेट है इसे किस दिशा में आगे ले जाना है। पिछले 3-4 सालों में हमारे रियल एस्टेट सेक्टर ने काफी सारी मुसीबतों का सामना किया है, और इन सभी मुसीबतों में हम लोग ने डट कर सामना किया है और काफी अच्छी तरह से हम लोग इसमें सर्वाइव कर पाए हैं। लेकिन फिर भी मेरा इसमें मानना है कि जब हमारे सामने नोटबंदी, जीएसटी और रेरा जैसी परिस्थिति का जब हमारे सामने निर्माण हुआ, तो जो यूनिटी ब्रोकर्स और डेवलपर्स को दिखानी चाहिए हम कहीं ना कहीं इसमें मार खा गए हैं। और इस मुसीबत का जो अभी समय चल रहा है महामारी का, इसमें यदि हम लोग एक नहीं होते हैं तो ये हमारी चुनौतियां बढ़ाता रहेगा। इसके लिए मैं एक सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं कि हम सभी डेवलपर्स और ब्रोकर्स प्राइस पॉलिसी को स्टैंडर्डाइजेशन की ओर ले जाए, ताकि हम ऐसी छोटी छोटे प्रश्नों पे उलझे ना रहे। काफी सारी चीजें ऐसी है कि जहां ब्रोकर्स और डेवलपर्स के बीच में छोटे छोटे प्रश्नों को लेके खींचतान चलती रहती है, तो हमें इससे आगे बढ़ना है। और कस्टमर के दिमाग में कॉन्फिडेंस पैदा करना है और पूरा विश्वास दिलाना है कि हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं, हमारा जो भी बाइंग डिसीजन है वो सही दिशा में है। और पिछले 3-4 सालों में जिन डेवलपर्स ने ये प्राइस स्टैंडर्डाइजेशन की पॉलिसी को अपनाया है, तो पिछले 3 सालों में भले कितनी भी मुसीबत का सामना करना पड़ा हो, तो इसमें इन्होंने काफी अच्छा परिणाम लाए हैं। काफी अच्छा सेल्स इन्होंने 2018-19 में भी अचीव किया है। और मैं आज की सूरत की परिस्थिति की बात करूं तो जैसे जयेश भाई ने भी आगे मेंशन किया है कि जैसे जब तेजी का समय था तो हर एक हफ्ते, हर एक महीने काफी सारे नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे थे, और इन नए प्रोजेक्ट लॉन्चेस की वजह से भी डिमांड और सप्लाई का जो गैप है वो काफी बढ़ता जा रहा है। और पिछले 3 सालों में ये जो नए लॉन्चेस में जो लिमिटेशन आई है, तो इसकी वजह से मैं मानता हूं कि ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि इसकी वजह से जो डिमांड और सप्लाई का जो गैप है वो काफी हद तक कम हुआ है। आज की तारीख में हमारे सारे जो डेवलपर्स भाई है तो ज्यादा से ज्यादा 65% से ज्यादा सबके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स जो है इसमें सभी में बिक्री हुई है। तो आज आप कहीं भी जाएंगे या दुकान लेने के लिए, तो आपको काफी सारी जगह पे आपका फर्स्ट चॉइस जो होगा, सिलेक्शन होगा, वो नहीं मिलेगा। तो ये मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सूरत
कि जो हाल की परिस्थिति है वो काफी अच्छी है, इसे हम बुरी परिस्थिति नहीं कह सकते। और दूसरी बात यह है कि काफी लोग ऐसा मान रहे हैं कि भाई आगे जाके रियल एस्टेट में भाव घटेंगे, भाव कम होंगे तब हम लोग खरीदी करेंगे। तो मैं ये ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूँ, और ये ना मानने के पीछे मेरे काफी सारे कारण हैं। ना तो जमीन मालिक ने अपने जमीन के दाम बढ़ाए हैं, ना ही रॉ मटेरियल सस्ता हुआ है, ना ही सैलरी के स्टैंडर्ड कम हो गए, और ना ही और अन्य खर्चे जो है वो कम हुए हैं। और इन परिस्थितियों के बावजूद भी सारे प्रोजेक्ट्स जो अभी ऑनगोइंग है इनमें सेल्स भी काफी अच्छे हैं। तो कौन से आधार पे रियल एस्टेट में प्राइस कम होगा मुझे समझ में नहीं आता है। घर जो है वो एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, और हर एक व्यक्ति का एक सपना होता है कि अपने जीवन काल में वो खुद का घर बनाना चाहता है। तो चाहे कितनी भी मुसीबतें आए और कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन इसके बावजूद जब हम ये महामारी के दौर के से पार होंगे तो वो अपना ये सपना साकार करने की दिशा में जुट जाएगा। तो मैं अपने ब्रोकर भाइयों से केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये महामारी का दौर जब गुजर जाएगा तो आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज होगी, इतने सारे नए कस्टमर बैंक होंगे कि जिनको आप सही मार्गदर्शन देंगे तो आपका और हमारा बिजनेस सदाए डेवलप होगा। इसी के साथ मैं केयूर भाई को सौंपना चाहूंगा माइक। थैंक यू वेरी मच प्रशांत भाई। हम लोग ने बहुत कुछ सीखा है आपसे, और मैं जब ये देख रहा हूँ नीचे चैट विंडोज तो इट इज क्वाइट अप्रिशिएटिंग। लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रख रहे हैं, अपनी क्वेरीज रख रहे हैं, तो हमें अच्छा लग रहा है। आज हमारे पास लाइक हमारा जो व्यूइंग कैपेसिटी है वो 500 का ओवर हो चुका है और 1200 लोग वेटिंग में है। तो हम लोग ने सबको मैसेजेस पहुंचा दिया है कि वो फेसबुक लाइव प्लेटफॉर्म से ही हमको देखे, और नेक्स्ट वेबिनार में हम ट्राई करेंगे कि और कैपेसिटी हम लोग बढ़ा सकेंगे। सो राइट नाउ हमारे चारों स्पीकर ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज, अपने अपने सजेशंस, अपने अपने एक्सपीरियंस के बेस से दिए हैं। तो आगे बढ़ के हम जिन लोगों ने हमें ये मोटिवेट किया ये वेबिनार्स को होस्ट करने में, सो मिस्टर जिग्नेश अमीन हु इज को चेयरमैन ऑफ साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स रियल एस्टेट कमेटी एज वेल एज डायरेक्टर ऑफ व्हाइट विंग्स ग्रुप सूरत, and Mr. Himal Bhatt, who is a chairman of Surat Realtors Association and governing body member of NAR India. So I would like to request Mr. Jagnesh Amin and Mr. Himal Bhatt to take over further and start begin with the question and answers to the panelists. Thank you, Keur. Thank you very much. And thank you very much, speakers. अभी मेरा आपने जैसे बोला आप हिंदी में लेना है प्रश्न, मगर अपने स्पीकर्स जो भी लैंग्वेज कंफर्टेबल हो वो लैंग्वेज में बोल सकते हैं। और मेरा पहला प्रश्न है विलजी भाई को कि विलजी भाई अगर आप अपन अपन कैसे हैं, कहते हैं कि हमारी पास से मारो पोतानु घर छे तो मैं सेफ हूँ, ये मान्यता के लिए आपको क्या कहना है, इसलिए ब्रोकरों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जिग्नेश भाई जे तमे एक वाक्य बनाव्यु छे बहु सारू बनाव्यु छे, अने એ અત્યારે આપણને આ જ્યારે COVID-19 માંથી પસાર થઈ રહ્યા છીએ ત્યારે એનો અનુભવ થાય છે કે ઘર છે એટલે સેફ છે। હાઉસ અને હોમ હવે હોમ બની ગયું છે, એકદમ સાચી વાત। પેલા હાઉસ હતું, હવે હોમ તરીકે આપણે એને જોઈ રહ્યા છીએ। હવે લોકો છે ને પહેલું પ્રાયોરિટી ઘરને આપશે કે ઘર હશે તો આપણે સેફ હશું, અને સારું ઘર એટલે બજેટને થોડું ઓવર બજેટ કરીને પણ પોતે સારું મકાન